उमादेवी निर्विरोध चुनी गई राशन डीलर। विकास खंड भगतपुर टांडा के गांव उदोपुरा में उमा देवी को निर्विरोध राशन डीलर चुन लिया गया है। बताते चलें कि पूर्व डीलर पर अगस्त माह में मशीन पर अंगूठे लगवाकर राशन न मिलने की शिकायत डीलर के खिलाफ शपथ पत्रों सहित उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी, जिसके चलते उपजिलाधिकारी ने दुकान को निरस्त कर दिया था। जिसके चलते आज प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में प्रधान अमरावती की अध्यक्षता में खुली बैठक का प्रस्ताव हुआ, जिसमें दो आवेदन आए। पहला दीपांशी का और दूसरा आवेदन उमा देवी का आया। दीपांशी अपनी हार देखकर बैठक को बीच में छोड़कर चली गई। उसके बाद पर्यवेक्षक अधिकारी एडीओ समाज कल्याण व सचिव सुशील कुमार ने उमा देवी को निर्विरोध चुन दिया। उमा देवी के समर्थकों में खुशी की लहर है। उमा देवी के प्रतिनिधि रतिभान का कहना है कि जिस तरह से गांव वालों ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं उनके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रतिभान। रतिभान जी, यहाँ आज किस सिलसिले में बैठक हुई थी? कोटा के बारे में। यहाँ आप जो है कोटा डीलर के प्रतिनिधि हैं, निर्विरोध यहाँ पर जो है चुनाव विजयी आप हो गए हैं, किस तरह की सेवा आप यहाँ गाँव में देंगे? आप देखिए जी, जितना मुझसे हो सके उतना करूँगा जी, बहुत ईमानदारी के साथ। अगर कोई भी मेरे प्रति कोई बेईमानी देखी जाए, कोई भी मेरे खिलाफ निर्णय ले सकता। आप दावा करते हैं कि आप अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्पक्ष भाव से करेंगे? बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ जी। अगर मुझे ईमानदारी में कोई नहीं बचेगा तो मैं उसका इस्तीफा भी दे रहा था। आप यहाँ किस ग्राम पंचायत में किस सिलसिले में यहाँ पर आए हुए हैं? उदोपुरा में मैं पर्यवेक्षण अधिकारी के तौर पर रेडियो समाज कल्याण आया हुआ हूँ जी, और यहाँ सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान का प्रस्ताव होना है जी। यहाँ पर कितने आवेदक थे और कौन यहाँ पर जो है विजयी चुना गया? आवेदक दो थे, किसको दिया गया? आवेदक दो थे, उमा देवी थी और एक दीपांशी थी, क्योंकि महिला आरक्षित सीट है SC के लिए। तो वो एक दीपांशी जो है वो चली गई यहाँ से, उन्होंने जो प्रस्ताव में भाग नहीं लिया, तो इसलिए उमा देवी को जो है निर्वाचित घोषित किया जाता है। गौरव पूरा रहा है इस बैठक में, जो पुलिस प्रशासन और ग्राम प्रधान मौजूद रहे हैं? हाँ, पुलिस प्रशासन ग्राम प्रधान सब मौजूद रहे हैं।